विपक्षी एकता की कवायद के बीच बिहार में अब तक जेडीयू में टूट होती रही है। करीब दर्जन भर नेता जेडीयू छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच विपक्षी एकता को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया गया है। अजित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी के 40 विधायक उनके साथ हैं। अगर उनके दावे में दम है तो महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के लिए ये बड़ा झटका है। बीजेपी का महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में शिवसेना टूटी थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों की बड़ी जमात को लेकर शिवसेना का अलग गुट बना लिया था। फिर बीजेपी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। अब एनसीपी से अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार को अपनी पार्टी संभालना आसान नहीं होगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 52 विधायक थे। इनमें 29 विधायकों के साथ अजित पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं। बताया जाता है कि पटना में विपक्षी एकता बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग करने के शरद पवार के निर्णय से अजित पवार गुट सहमत नहीं था। गुट इसे शरद पवार का एक तरफा फैसला मान रहा था। हालांकि दावा तो अजित पवार पूरी एनसीपी के साथ आने का कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता सूचना ये है कि अभी उनके साथ 30 विधायक ही हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में भी इसका असर दिख सकता है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के जाने के बाद से ही जेडीयू में बगावती स्वर सुनाई देने लगे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसे ही आधार बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लिया था। उसके बाद से करीब एक दर्जन नेता जेडीयू छोड़ चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी जेडीयू से और लोग भी नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। इसका आभास नीतीश को भी है, इसीलिए वो लगातार अपने विधायकों, सांसदों और विधान परिषद के साथियों के साथ 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी या दूसरे दलों के नेता दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। वहीं बीजेपी और दूसरे दलों के नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि जेडीयू में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। कई विधायक और सांसद एनडीए की किसी पार्टी में अपना ठिकाना तलाश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह तो खुलकर बोलते हैं कि जेडीयू के कई विधायक सांसद उनके संपर्क में हैं। अगली विपक्षी बैठक के पहले या तुरंत बाद बीजेपी का बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह बड़ा अभियान चल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।